हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं इसमें एक फॉर्मूला बताऊंगी। तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे दो फंक्शन दी गई होगी, तो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसकी जो इंटीग्रेशन निकलेगी उससे हम सेकेंड फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स। मतलब हम फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और सेकेंड फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमें ये देखना है कि हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कैसे जानेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर बताती हूँ, फंक्शन भी इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अगर हमें दी गई होगी एक्स टू द पावर एन इंटू ई टू द पावर एक्स, तो इसके ई टू द पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन होगी और एक्स टू द पावर एन सेकंड फंक्शन। अगर हमें दी गई होगी एक्स टू द पावर एन इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स फर्स्ट फंक्शन और एक्स टू द पावर एन सेकेंड फंक्शन। एक्स टू द पावर एन इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन और एक्स टू द पावर एन सेकेंड फंक्शन। एक्स टू द पावर एन इंटू लॉन एक्स टू द पावर एन, यहाँ पे एक्स टू द पावर एन फर्स्ट फंक्शन और लॉन एक्स टू द पावर एन सेकेंड फंक्शन। एक्स टू द पावर एन इंटू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स टू द पावर एन फर्स्ट फंक्शन और साइन इनवर्स एक्स सेकेंड फंक्शन। एक्स टू द पावर एन इंटू कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स टू द पावर एन फर्स्ट फंक्शन है और कॉस इनवर्स एक्स सेकेंड फंक्शन। एक्स टू द पावर एन इंटू टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स टू द पावर एन फर्स्ट फंक्शन और टेन इनवर्स एक्स सेकेंड फंक्शन। हम इस तरह से फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन तो देखेंगे। आइए अब मैं और तीन फार्मूला बताऊंगी जो हमें नंबर सर्कल में यूज होगी। देखिए, फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय टू इंटू रूट ओवर ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय टू प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाय टू लॉन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाय रूट ओवर प्लस सी। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय टू इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाय टू इंटू लॉन ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस सी। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमें फर्स्ट एग्जाम्पल दी गई है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे कॉस एक्स फर्स्ट फंक्शन है और एक्स सेकेंड फंक्शन है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब कॉस एक्स डी एक्स इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होल डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम कॉस एक्स की इंटीग्रेट करेंगे एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस ये कॉस एक्स की इंटीग्रेशन
साइन एक्स और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन, तो ये वन इंटू साइन एक्स साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, तो माइनस माइनस प्लस हो गई, तो हमें आंसर आ गया एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस, सॉरी सॉरी एक्स साइन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व हो गई, आइए अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन और एक्स स्क्वायर सेकेंड फंक्शन है, तो उसी तरह से पहले की तरह से हम फॉर्मूला पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंदर एक इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होल डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखिए ई टू द पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन है और एक्स सेकेंड फंक्शन है, तो हम पहले की तरह से ही करेंगे, तो ये जैसे उसी तरह से लिख देंगे इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस टू होल। अब इसकी फॉर्मूला पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होल डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस टू इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ये हम सभी मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस टू टू एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस से माइनस माइनस प्लस होगी टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। अब हम सभी से ई टू द पावर एक्स कॉमन ले जाएंगे, तो ई टू द पावर एक्स कॉमन ले गए तो ई टू द पावर एक्स होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस सी। हमें सेकेंड एग्जाम्पल की भी आंसर निकल गई, अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हमें यहाँ पे दी गई है इंटीग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स है और यहाँ पे वन फर्स्ट फंक्शन और टेन इनवर्स एक्स सेकंड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होल डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू होल डी एक्स। यहाँ पे देखिए इसकी इंटीग्रेशन एक्स और ये टेन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स बाय सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर टू और नीचे टू मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू लॉन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हमारी ये एग्जांपल भी सॉल्व हो गई।
आइए अब हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे दी गई है इंटीग्रेशन ऑफ लॉन एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू लॉन एक्स होल स्क्वायर डीएक्स है। तो यहाँ पे वन फर्स्ट फंक्शन और लॉन एक्स होल स्क्वायर सेकेंड फंक्शन है। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स इंटू लॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स होल स्क्वायर होल डी एक्स। तो हम अगर हम इसकी इंटीग्रेट करेंगे तो x और ये लॉन x होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसकी इंटीग्रेशन x इंटू लॉन x होल स्क्वायर डेरिवेटिव टू लॉन x इंटू वन बाई x डी एक्स। यहाँ पे x और x कैंसिल हो गई तो हम x इंटू लॉन x होल स्क्वायर माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू लॉन x डी एक्स। यहाँ पे वन फर्स्ट फंक्शन और लॉन एक्स सेकेंड फंक्शन है। देखिए अगर हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटू लॉन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स होल डी एक्स इक्वल्स टू एक्स लॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स लॉन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू वन बाई एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन एक्स और लॉन एक्स की डेरिवेटिव वन बाई एक्स। तो ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगी तो मिलेगी इक्वल्स टू एक्स लॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस ये टू को दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस टू एक्स इंटू लॉन एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो गई तो प्लस टू एक्स प्लस सी। यहाँ देखिए ये वन डी एक्स है तो ये इसकी इंटीग्रेशन एक्स है। अब हम सभी से एक्स को कॉमन ले जाएंगे इक्वल्स टू एक्स इंटू होल एक्स होल इंटू लॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस टू लॉन एक्स प्लस टू प्लस सी। ये हमारी लास्ट एग्जांपल भी होगी। हम इस तरह से नंबर सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इसमें कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। Thank you.